सो गाइस, बॉबी ढाबा जो कि जिंजरा कोरबा में है, वहाँ अपना ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पर से आप देख सकते हो पूरे व्यू को, क्या क्या ऑर्डर हम लोग किए हैं और क्या क्या अपन को मिला है। एक नंबर। एक बाइट और लेते हैं। और भैया यहाँ पर भट्टे में पापड़ बना रहे हैं। देखो तो यहाँ पर देख सकते हो चिकन कढ़ाई, ये है मटन की कढ़ाई, तवाई खुशबू आ रहा है, दाल है वेज खाने के लिए सादा सर्वदा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आ चुका हूँ बॉबी ढाबा, जो कि फैमिली ढाबा है। तो पीछे में आप तो देख सकते हो कि बॉबी ढाबा को, तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अंदर जाते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं बॉबी ढाबा पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर ये मेन्यू है, आप देख सकते हो मेन्यू को। चलिए मैं देख लेता हूँ और अपने हिसाब से ऑर्डर कर देता हूँ क्या मुझे खाना है। और बाकी मेरे भैया भी आए हैं, भैया तो बिरयानी बोले हैं। हाफ प्लेट बिरयानी का 100 रुपए है, वेज नॉन वेज जो भी लीजिए आप, और फुल प्लेट का 200 रुपए है। तो मैं क्या खाऊंगा मैं उसको देख लेता हूँ। तो अपन 2 तंदूरी रोटी खाएंगे और अंडा भुजी तरी खाएंगे। तो बाकी यहाँ पर आप मेन्यू भी देख सकते हो, मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं, पूरा मेन्यू को देखिए, उसके बाद यहाँ ऑर्डर करिए और खाइए। हाफ प्लेट वेज बिरयानी रहेगा भैया, और अंडा भुजी तरी रहेगा हाफ प्लेट, और 2 तंदूरी रोटी रहेगा। ठीक। सो गाइस, बॉबी ढाबा हर टाइम खुला रहता है 24 घंटा। आप किसी भी टाइम आके यहाँ खाना वाना खा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, नॉन वेज हो चाहे वेज हो, दोनों यहाँ मिलता है आपको। उसके अलावा जो बॉबी ढाबा है वो हफ्ते में भी बंद नहीं रहता। बस बंद कब रहता है, जब कोई त्योहार हो गया, राखी हो गया, ये सब दिवाली, इन सभी त्योहारों पर बंद रहता है, फिर हमेशा खुला रहता है, एनी टाइम एवरी डे बोल सकते हो। बाकी मैं तो दोपहर के समय आया हूँ। सो गाइस, बॉबी ढाबा मेरे घर से बहुत पास पड़ता है। उसके अलावा यहाँ का मेरे को बिरयानी बहुत पसंद है। बाकी आज मेरे को बिरयानी खाने का मूड नहीं है, क्योंकि कल ही खाया था बिरयानी आपका भाई, आज अपन तंदूरी रोटी खाएगा। एंड उसके अलावा जो बॉबी ढाबा है वो कटघोरा से कोरबा जाने वाले रास्ते में, जिंजरा मोड़ से ना आप कोरबा की तरफ थोड़ा सा और बढ़ोगे तो 100 मीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा। मतलब जिंजरा के पास में ही है बॉबी ढाबा, और बहुत पास पड़ता है गाइस, इसलिए हम यहाँ आना जाना करते रहते हैं और यहाँ खाते वाते भी रहते हैं। बर्थडे किसी का हो गया, भाई भाई का हो गया, तो यहीं सेलिब्रेट करते हैं। अपना पास में रहता है ढाबा और बहुत अच्छा भी रहता है। एंड गाइस, बॉबी ढाबा फैमिली ढाबा भी है, आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हो। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं गाइस, फ्रेंड वगैरह, किसी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ होते रहता है। सो गाइस, यहाँ पर से आप देख सकते हो पूरे व्यू को, क्या क्या ऑर्डर हम लोग किए हैं और क्या क्या अपन को मिला है। सो गाइस, बॉबी ढाबा जो कि जिंजरा कोरबा में है, वहाँ अपना ऑर्डर लग चुका है। ये आप देख सकते हो वेज बिरयानी है, वेज बिरयानी के साथ वेज ग्रेवी है, एंड उसके साथ खट्टे में दही है। और यहाँ पर 2 मिर्च दिया गया है, नमक भी दिया गया है, चाट मसाला भी दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हो खीरा हो गया, गाजर हो गया, ये सब भी दिया गया है, प्याज भी दिया गया है, और अलग से नमक भी दिया गया है। और यहाँ पर अपना 2 तंदूरी रोटी आ चुका है, और ये देख सकते हो अंडा भुजी तरी जो कि हाफ प्लेट है, फुल प्लेट का 70, हाफ प्लेट का 40 रुपीज। तो अब इन सभी चीजों को तो नहीं, बाकी मैं तंदूरी रोटी और इसको खाऊंगा, भैया उसको खाएंगे। तो देख सकते हो आपको मैं, चलिए एक बार अच्छे से दिखला देता हूँ इन सभी चीजों को। और यहाँ बहुत सारे चीज आप खा सकते हो गाइस, चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आपको दिखलाता हूँ, फिर उसके बाद खाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो वेज बिरयानी को, इसमें पनीर डाला हुआ है, उसके अलावा ऊपर से गार्निशिंग कर दिया गया है चीज का, और देख सकते हो ग्रेवी वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैलेड वगैरह भी है, सैलेड में खीरा है, गाजर है और नींबू है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज है, और जो तीखा खाते हैं उनके लिए मिर्चे भी है, और चाट मसाला भी है, और नमक है, अगर नमक कम हो गया तो आप नमक ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर है अपना तंदूरी रोटी 2 ठो, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर है अंडा भुजी तरी, जिसको आप देखो, देख के ही इतना यम्मी लग रहा है, देख सकते हो धुआं निकल रहा है, गरम गरम तुरंत बना हुआ। तो चलिए दोस्तों, अपना तंदूरी रोटी और अंडा भुजी तरी को खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तंदूरी रोटी को मैं पकड़ चुका हूँ, अब खाते हैं अंडा भुजी तरी के साथ। एक नंबर। थोड़ा सा गरम है सैलेड और प्याज वगैरह। तो गाइस, रोटी को खा लेता हूँ, अगर और भूख लगेगा और खाने का मन होगा तो तंदूरी रोटी को और मंगाऊंगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नमक है, चाट मसाला है, खट्टा खट्टा। मिर्च से तो नहीं खाऊंगा भाई मैं, एक बार एक बाइट और लेते हैं। कांदा, गाजर। तो गाइस, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, दोरेस का वीडियो बनाते बनाते मेरे को ना भूख लग जाता है, क्योंकि तो खाते रहते हो, मेरे को देखना पड़ जाता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब मेरा टाइम आ गया खाने का, और ये देख सकते हो पनीर का पीस जो कि काफी बड़ा है।
बड़ा बड़ा पीस रहता है, अभी और भी है पीस, बाकी वेज बिरयानी इंजॉय कर रहा हूँ। दो तंदूरी रोटी ले आनंद भैया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेवी आ चुका है, ग्रेवी का चार्जेस नहीं लगता, नॉन वेज ग्रेवी हो चाहे नॉन वेज ग्रेवी हो आपको दोबारा दिया जाता है ग्रेवी। ये देख सकते हो गर्म है बढ़िया, बाकी गर्म ही रहता है। तो गाइस खाना वाना हो चुका है, तो चलिए यहाँ बिल पेमेंट कर देते हैं बॉबी ढाबा में। कितना हो जाएगा? 200 210 यही है ना भैया? हाँ। एंड गाइस यहाँ पर टूथपिक है, सौंफ है, शक्कर है, शुगर, ये सब चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हो खाना खाने के बाद, अच्छा रहता है। तो गाइस यहाँ पर भैया ऑर्डर पैक कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो बिरयानी को, और भैया यहाँ पर भट्टे में पापड़ बना रहे हैं, देखो भूंज रहे हैं मतलब पापड़ को। और यहाँ पर आग कम हो गया है तो भैया भट्टे में कोयला डाल चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बैगन मसाला बना हुआ है, कितना तबाही लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो चिकन कढ़ाई, कितना सारा चिकन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये है मटन की कढ़ाई, यहाँ पर मटन बना हुआ है, कितना सारा पीस है इसमें भी। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या बिरयानी, वेज है, वेज बिरयानी पुलाव है। तो यहाँ पर देख सकते हो वेज ग्रेवी उबलते हुए, भाई तबाही खुशबू आ रहा है, दाल है वेज खाने के लिए सादा सर्वदा। तो यहाँ पर देख सकते हो भट्टे में चिपका हुआ है तंदूरी रोटी। तो यहाँ पर भैया मिक्स वेज बनाना चालू कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं भैया, अब उसको अच्छे से पका रहे हैं। तो यहाँ पर डाल चुके हैं पनीर, और क्या है भैया पनीर के साथ? पनीर और मिक्स सब्जी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर वगैरह, बहुत सारा जो चीज़ रहता है मिक्स वेज सब्जी में। और यहाँ पर आ चुका है चीज़, पनीर है ना, और इसमें डाल चुके हैं भैया हल्का से वेज ग्रेवी, वेज पनीर सब्जी में। ये देख सकते हो गया रेडी एकदम गरम गरम। और यहाँ पर भैया लगा रहे हैं दाल भात चावल वगैरह, तो भैया सर्विंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा बिरयानी पैक हुआ है, उस डब्बे में भी है, बहुत सारा बिरयानी को पैक किए हैं क्योंकि ऑर्डर किए हैं कोई, तो पैकिंग सिस्टम भी है, पैक करा के घर लेके खाओ आराम से। और ये आ चुका है उनके साथ पापड़ बहुत सारा, ये देख सकते हो दो पन्नी भर के, मजा आ रहा है, पानी गिर रहा है तो खाना खा रहा था उतना समय पानी गिर रहा था तो और अच्छा लग रहा था।